एक सवाल आदम मैम से, सुकमा समेत बस्तर भर में महिला कमांडो है और नक्सलियों के खिलाफ वो ऑपरेशन भी करती है, लड़ती है, तो मैम ने लीड रोल निभाया, तो महिला होने के नाते वो उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं महिला कमांडोज के लिए? मैं एक्चुअली उनसे मिलके मैं इतनी इंस्पायर हो गई, बिकॉज जो तो शूट पे करता है, मैं एक सीन शूट कर रही हूँ, मैं एक हैवी गन के साथ ये कर रही हूँ, कट के बाद मैं वो गन नीचे रख सकती हूँ, मैं सुरक्षित अपने घर जा सकती हूँ जहाँ मैं अपने माँ के साथ रहती हूँ, मैं घर का खाना खा के सो सकती हूँ, नेक्स्ट डे अगेन मैं जल्दी उठ के सेट पे जा सकती हूँ, पर उनके लिए ऐसे नहीं है, वो जंगलों में कभी कभी 2-3 दिन के लिए रहते हैं, यहाँ पे 2 घंटे के लिए हम लोग बाथरूम नहीं जाए एंड वी फील की जाना है, पर वहाँ पे 2-2 दिन के लिए कभी कभी वो एक पेड़ के पीछे ही छुपे पड़े हैं, वहाँ पे एम लगा के, वो कितना मुश्किल है आप सोचो, दिन रात 2-2 दिन। तो अमन मैं बताऊँ, आधा शूटिंग से पहले यहाँ पे आए, बीजापुर गई, वहाँ पे महिलाओं के साथ जितने महिला कमांडो है उनके साथ जंगल गई, जंगल में जाके उनके साथ रही, वो वहाँ पे सारे ट्रेनिंग ली, लेकिन फिर बॉम्बे जाने के बाद भी वो छत्तीसगढ़ से लोग गए थे हमारी सारे कलाकारों को ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग की, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो आधा इंदिरा सबको मिल गए थे। अंकिता शर्मा को हम जानते हैं, आधा नहीं जानते हैं। हमारे दो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं, एक हमारे दो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं इंदिरा तिवारी।